उड़ीसा में नए वज़ीर-ए-आला पर फैसला आज मुमकिन है। बीजेपी अराकिन असेंबली से मिलेंगे ऑब्जर्वर, तो राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है और तमाम तरह एमएलए से बात करके सीएम के फैसले पर हतमी मुहर लग सके। तो कल उड़ीसा में नई सरकार की हलफबरदारी हो सकती है। 74 सीटों के साथ बीजेपी को अक्सरियत मिली थी और ऐसे में सरकार बनानी है, और इसके अलावा सीएम कौन होगा उड़ीसा का, इसको लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि पिछले कई बार से जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार बनी है, चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं और चौंकाने वाला फैसला ही सामने आया है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा उड़ीसा में किसको वजीर आला की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बहरहाल आज फैसला मुमकिन है, क्योंकि बीजेपी अराकिन असेंबली से लगातार ऑब्जर्वर की मुलाकात जारी है और आज भी ऑब्जर्वर्स बीजेपी अराकिन असेंबली से मिलेंगे। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को वाजे हो ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो कल उड़ीसा में नई सरकार की हलफबरदारी होनी है, ऐसे में सीएम के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वाजे हो कि 74 सीटों के साथ बीजेपी को असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत मिली है और बीजेपी यहाँ पर सरकार बना रही है। सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है।